नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्लीव्स की कटिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, जो कपड़ा है यहाँ पे मैंने कुर्ते की कटिंग कर ली, अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए, स्लीव्स को इस तरीके से फोर फोल्ड में अच्छे से बिछा लिया है। नीचे से इस तरीके से 1 इंच को छोड़ देंगे फोल्डिंग के लिए, और यहाँ से इसकी लंबाई ले लेंगे 6 इंच, और यहाँ पर मार्क कर लेंगे, और 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे हम सिलाई में जो कपड़ा दब जाता है उसके लिए। अब देखिए, यहाँ से हम 3 इंच पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और जो भी हमारा चेस्ट वाला पार्ट होता है उसका हम 1 डिवाइड बाय 5 कर लेंगे, जो भी आएगा उसे इस तरीके से मार्क करके फिर उसका हाफ कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मार्किंग करके, और फिर यहाँ पर हम इस तरह से शेप बना लेंगे आर्महोल का। देखिए, इस तरह से फ्रंट एंड बैक दोनों का हम इस तरीके से आर्महोल बना लेंगे। और अब जो यहाँ पर हमारा बॉटम राउंड होता है, यहाँ पर आ रहा है 7 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लिया है, और यहाँ पे इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और जितने भी मार्जिन आपको चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे मार्जिन छोड़ सकते हो। अब हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर, और यहाँ पे हम कटिंग करते जाएंगे, और यहाँ पर भी जो मार्किंग की थी वहाँ पे भी कट लगा लेंगे, और इस तरीके से हम स्लीव्स को देखिए छोड़ देंगे, और यहाँ राइट टू राइट रखा हुआ है। तो अब देखिए, यहाँ पर जो ये फ्रंट वाला होता है, यहाँ पे हम फ्रंट वाले को भी आर्महोल को कट कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से कट कर लिया है। तो जो ये हमारी स्लीव्स की जो कटिंग होती है वो तैयार हो गई है। इसे हम कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।